हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह आप सबके साथ एक बार फिर अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सी सैट, और आज हम लोगों का रीजनिंग का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है पजल। इसको लास्ट में करवाने का लॉजिक ये भी था कि इससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट बना रहे और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से देखें। राइट नाउ बिफोर स्टार्टिंग द पजल टॉपिक, देखिए पजल में अपने को कुछ, पजल इज व्हाट? नाउ व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज पजल, इसको बड़ा सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि जब आप कोई चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, जब आपको बहुत सारे जिगजैग तरीके से चीजों को दिया रहे और उसे सॉल्व करना है, यही तो है पजल। यस और नो? मान लो मैं कहता हूं कि पांच दोस्त बैठे हैं, ये इसके साथ नहीं है, वो उसके साथ नहीं है, ये इधर है, ये उधर है। इन चीजों को जब आप एक प्रॉपर वे में आप अरेंज करते हो, यही है पजल। हाँ या ना? कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वो कहता है कि मैं उसके साथ नहीं मल्टीप्लाई होऊंगा, वो कहता है मैं उससे डिवाइड नहीं होऊंगा। ये सारी चीजों का एक मीनिंगफुल, एक प्रॉपर, आप जब बोलते ना कंक्लूजन में पहुंचते हो, उसे ही कहते हैं हम पजल। तो पजल को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको पजल के बारे में जो भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पजल के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसको देखेंगे, अपने आप आंसर सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ अ फिल्म वॉन्ट्स टू सेलेक्ट 4 पर्सन, चार लोगों को सेलेक्ट करना, टू वर्क ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ पीस ऑफ म्यूजिक। 7 पर्सन आर अवेलेबल फॉर दिस वर्क, 7 लोग हैं। कौन कौन है? रोहित है, तानिया है, शोभा है, कौशल है, कुणाल है, मुकेश है एंड जसवंत है। रोहित एंड तानिया विल नॉट वर्क टूगेदर, यानी रोहित अगर काम करेगा तो तानिया काम नहीं करेगी, और तानिया काम करेगी तो रोहित काम नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि रोहित और तानिया एक साथ काम नहीं करेगा। कुणाल एंड शोभा विल नॉट वर्क टूगेदर, अगेन एक और कंक्लूजन बोला, एक लाइन बोला कि कुणाल और शोभा साथ में काम नहीं करेगी। मुकेश एंड कुणाल वॉन्ट टू वर्क टूगेदर, मतलब इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अभी हमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल ग्रुप ऑफ पीपल दैट कैन बी सेलेक्टेड बाय द म्यूजिक डायरेक्टर। तो जब हमें बेस्ट ग्रुप पूछ पता है या एक्सेप्टेबल ग्रुप में जिसमें जो आपको रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए थे उनको फॉलो करना है, कंडीशंस जो है वो फॉलो करना है, तो मेरा पहला कंडीशन में ये कहता है कि रोहित अगर है तो रोहित के साथ तानिया काम नहीं करेगी, इसमें तानिया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुणाल के साथ शोभा, तो हमें ऑप्शन से जाना चाहिए, कुणाल के साथ शोभा, तो शोभा और कुणाल यहां पर एक साथ हो रहा है, यानी ये पॉसिबल नहीं, पक्का बात। दूसरा देखेंगे, तानिया के साथ रोहित दिखा रहा, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा ऑप्शन जाएंगे, तानिया के साथ रोहित काम नहीं कर सकता, उस ग्रुप में रोहित नहीं है। कुणाल के साथ शोभा काम नहीं करेगा, वो भी यहां पे नहीं है, कुणाल है तो शोभा नहीं है। और मुकेश एंड कुणाल साथ में काम करेगा, ये भी हमें दिया गया, और जसवंत के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, कोई कंडीशन नहीं था, तो इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो तीनों दोस्त है, ये जो तीनों लोग हैं, इनका जो प्रॉब्लम था, कंडीशन था कि मैं उसके साथ नहीं करूंगा, मैं उसके साथ करूंगा, ये कंडीशन यहां फुलफिल हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। फिर भी हम चौथे ऑप्शन आपके लिए जरूर देखेंगे। देखो यहां पे बोल दिया था कि रोहित और तानिया साथ में काम नहीं करेगा, बट इस ग्रुप में तो तानिया और रोहित साथ, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो पजल का सबसे बेस्ट तरीका, चुपचाप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर अपने आप मिलेगा, थोड़ा समय दो और वो प्रैक्टिस से सुधर जाएगा। आई गेस यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तानिया रोहित के सामने साथ काम नहीं करेगी, ऑप्शन सी में रोहित नहीं है। मुकेश और कुणाल साथ में काम करेगा, ये भी है। कुणाल अगर काम करेगा तो शोभा काम नहीं करेगी, ये भी है। और जसवंत के लिए कोई कंडीशन नहीं था, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो क्लियर है, आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द थ्री आइटम्स दैट फॉलो। अ टेनिस कोच इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ फोर प्लेयर्स फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। चार प्लेयर को लेना है, बट द सेवन प्लेयर्स आर अवेलेबल। तीन मेल है, कौन कौन? ए बी सी। और चार फीमेल है, WX, Y एंड Z। ऑल प्लेयर्स हैव इक्वल कैपेबिलिटी एंड एटलीस्ट टू मेल्स विल बी देयर इन द टीम। क्या बोला कि भाई सबके पास इक्वल कैपेबिलिटी। देखो ये बताने का रीजन क्या था, ये बताने का रीजन ये है कि कहीं आप ये ना सोचने लग जाओ कि मेल इज मोर कैपेबल देन फीमेल। ओके, और दो मेल होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात। फॉर अ टीम ऑफ फोर ऑल प्लेयर्स मस्ट बी एबल टू प्ले विथ ईच अदर, बट बी कैनॉट प्ले विथ W। बोला एक चार आदमी का टीम बनाने के लिए एक दूसरे से खेलना तो अनिवार्य है, दे मस्ट प्ले, बट देयर इज द कंडीशन दैट बी कहता है कि मैं W के साथ नहीं खेल सकता। ठीक है, जी कहता है हम Z के साथ नहीं खेलेंगे, और W कहता है कि हम Y के साथ नहीं खेलेंगे। यही तो बात बोला है, बोलो ना। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, मैं सातों प्लेयर का नाम लिखता हूं, ए बी सी W X Y और Z। ठीक है, बोला B अगर खेलेगा तो W नहीं खेलेगा, B cannot play with W, तो B खेलेगा तो W नहीं खेलेगा। यही तो बात बोला, हाँ या ना? ओके, C cannot play with Z, C cannot play with Z, Z पे टिक क्रॉस, एंड W cannot play with Y, W खेलेगा तो Y नहीं खेलेगा। बीच में जगह था तो मैंने उसको फिल कर दिया। बोलता है Y इज सेलेक्टेड एंड B इज रिजेक्टेड। Y सेलेक्टेड है यानी आपके टीम में Y खेलेगा, ये बात तो श्योर है, और B रिजेक्टेड है मतलब B नहीं होगा टीम। अच्छा बेटा, क्या बोला था कि B अगर खेलेगा तो W नहीं खेलेगा, लेकिन अगर B नहीं खेलता है तो W खेल सकता है, इस बात से आप अग्री करते हो? पक्की बात, कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं, बी को रिजेक्ट कर दिया गया है और दो लड़कों को टीम में होना पड़ेगा, यह बात आपको बोल दिया गया है। दो लड़कों को टीम में होना पड़ेगा मतलब ए और सी को टीम में होना पड़ेगा। सर इतना आदमी को तो मैं फाइनलाइज कर दिया, ठीक। अभी एक तो बात, Y खेलेगा तो W नहीं खेलेगा, यानी इस टीम में W नहीं हो सकता, इस टीम में B नहीं होगा, रिजेक्ट हो चुका। यहां तक तो सब बात क्लियर है। सर हमें दो मेल लेना पड़ेगा मतलब A और C दोनों को लेना पड़ेगा, C अगर लेते हैं तो Z नहीं खेलेगा, यानी Z भी नहीं खेलेगा, कोई दिक्कत है क्या? अभी बचा कौन? दो मेल मेरा फाइनल हो चुका A और C, बिकॉज B इज रिजेक्टेड। फीमेल में एक फीमेल Y सेलेक्टेड है, W इज रिजेक्टेड बिकॉज अगर Y खेलता है तो W नहीं खेलेगा, और Y को तो हमने सेलेक्ट किया है तो W नहीं होगा। फिर क्या बोला? अपने पास तीन दो ऑप्शन और बच गया, X और Z फीमेल के लिए। हमारे टीम में दो लड़कों का होना अनिवार्य है, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज कंपल्सरी। मैंने C को जब सेलेक्ट किया तो Z विल नॉट प्ले। नाउ द ऑप्शन इज ओनली लेफ्ट विथ X, so the answer is will be with X। कौन सा होगा? AC
कुछ मिस्टेक कर दिए क्या? ए सी वाई एंड एक्स, वाई सी कैन नॉट प्ले विथ जेड हो गया, डब्ल्यू कैन नॉट प्ले विथ वाई हो गया, ए सी आई तो है, सॉरी दिख ही नहीं रहा था, ए सी एक्स एन वाई, सॉरी वही मैं सोच रहा हूँ, हाँ गड़बड़ी हो गया। एनीवेज तो ये बात क्लियर हो गया, ए सी एक्स एंड वाई, दो मेल और दो फीमेल, तो ये कंडीशन हमें मान के चलना पड़ेगा। इस कंडीशन को आप बिना माने नहीं चल सकते। अभी आप सोचोगे कि सर इतना मेहनत करके एक ही क्वेश्चन है, नहीं कभी भी देगा तो ऐसा दो क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा, बोलता है बी इज सेलेक्टेड एंड वाई इज रिजेक्टेड। ओके तो बी को तो आपने टीम में ले लिया, बी को तो टीम में होना, ओके सर, और वाई को हमने रिजेक्ट कर दिया, वाई को हमने रिजेक्ट कर दिया। अभी पहले मैं फीमेल की बात करता हूं कि अगर बी खेलेगा तो डब्लू नहीं खेलेगा, यस और नो? बी खेलेगा तो डब्लू नहीं खेलेगा, ये बात आपको बोल दिया गया, यानी आपके टीम में डब्लू नहीं हो सकता, हाँ या ना? तो अभी मेरे पास लड़कों के लिए अभी दो लड़का लेना जरूरी है, दो लड़कों का लेना जरूरी है, एक मैंने बी ले लिया। अगर मैं बी के साथ ए भी ले सकता हूं और बी के साथ मैं सी भी ले सकता हूं, दोनों ऑप्शंस खुला हुआ। अगर बी के साथ ए लूंगा तो ए का किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए का किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्योंकि बी है तो डब्ल्यू नहीं खेलेगा, ये तो कट गया, और वाई को काट दिए, यानी ऑप्शन में एक्स और जेड दोनों है। तो बी ए कौन कौन है, एक्स और जेड, यस और नो? ठीक है, ओके सर, आगे अभी देखो लॉजिक क्या कहता है, मैं एक बार आपको वापस दिखाता हूं कि अगर बी सेलेक्ट होगा तो उसके साथ आपको ए भी रख सकते हो, बी सी भी हो सकता है और बी ए सी भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि देयर शुड बी एटलीस्ट टू मेल, यही तो बोला है ना, देयर शुड बी एटलीस्ट टू मेल, कट गया, एटलीस्ट टू मेल यानी दो मेल्स का होना जरूरी है, बट मिनिमम दो, इट कैन बी मैक्सिमम थ्री ऑल्सो। नाउ इफ बी इज सेलेक्टेड डब्ल्यू इज रिजेक्टेड, यानी फीमेल्स के टीम में मैं डब्ल्यू, कौन कौन है, एक्स है वाई है और जेड है, डब्ल्यू इज रिजेक्टेड, पक्की बात है, और क्वेश्चन के हिसाब से आपका वाई भी रिजेक्टेड है, वाई भी रिजेक्टेड है कि नहीं? अभी अगर हम सी को लेते हैं, अगर हम सी को लेंगे तो हमें जेड को काटना पड़ेगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम सी को लेंगे तो हमें जेड को काटना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि सी के साथ जेड नहीं होगा। बट बेटा आप एक चीज को समझिएगा, आपके पास पॉसिबिलिटीज और टीम क्या क्या हो सकता है। देखो अब एक बार थोड़ा ऑप्शंस पे जाओ, यहां पे बी सेलेक्टेड होना चाहिए, यानी ये तीनों तो, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, यस और नो भाई? इसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मैं चाहूं तो बना के दिखा दूं,
कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लेकिन ऑप्शन से जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है ना भाई मेरे। देखो ना, बी के साथ ए, बी के साथ सी, बी के साथ ए सी, अगर सी जाता है तो जेड नहीं जाएगा, यही तो बात बोला, जेड नहीं जाएगा, मत जाए। एक्स जाएगा, हाँ जाएगा, एक्स जाएगा, ए बन जाएगा, हाँ बनेगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी बी ए के साथ अगर मैं सी को नहीं रखूं तो मैं एक्स और जेड को ले लूंगा, हाँ ले लूंगा, यहां पर भी एक ऑप्शन है। तो कितने ऑप्शन तुम्हारे सामने खड़े हो गए, दो ऑप्शन सामने, बी सी एक्स ए और बी ए एक्स जेड। अब देख लो तुम्हारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पे जब एलिमिनेशन होगा तो आपको दिख रहा है कि डब्ल्यू तो ऐसे भी रिजेक्टेड है, जब बी खेलेगा ये नहीं खेल सकता, सी के साथ जेड नहीं जा सकता, लो भैया हटा दो, ऑप्शन मिल गया। दिमाग कब क्या चलता है तुमको नहीं पता है। मैं वेरियस ऑप्शंस आपको दिखा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन से भी खेल के दिखा रहा हूं, करके भी दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखो, इफ ऑल द थ्री मेल्स आर सेलेक्टेड देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर मेंबर्स टीम्स आर पॉसिबल। अच्छा बेटा, अगर मैं ए बी सी ले लू, ठीक, इधर आइए, इधर आके देखते हैं। अगर मैं अपने टीम में ए बी सी ले लू, अभी हमको डब्ल्यू ले सकते हैं क्या, नहीं, डब्ल्यू रिजेक्टेड है। एक्स ले सकते हैं क्या, हाँ एक ऑप्शन, वाई ले सकते हैं क्या, हाँ और एक ऑप्शन, जेड ले सकते हैं क्या, नहीं, सी के साथ जेड नहीं खेलेगा, सी के साथ जेड नहीं खेलेगा। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो, दो ही तो फीमेल है जो अवेलेबल है तुम्हारे लिए, पक्का ना, एक है ए बी सी एक्स, एक है ए बी सी वाई। वाई यहां पे क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वाई को रिजेक्ट किया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कोई रिजेक्शन का बात नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको शायद। चलिए आइए नेक्स्ट, ये वापस से कैसे क्वेश्चन है यार, ओके आई गेस रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जामिन केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द थ्री आइटम्स दैट फॉलोस। थ्री क्वेश्चंस आपके पास है, आउट ऑफ फोर फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी, ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो आइए मैं ऐसे बना लूंगा ए बी सी डी, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या गेम आपके सामने आ रहा, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी एंड बास्केटबॉल। ए जो है, ए एंड बी प्ले फुटबॉल, फुटबॉल ये लोग खेलता है, ये लोग क्रिकेट भी खेलता है, कोई दिक्कत, यानी फुटबॉल कौन कौन खेलता है ए और बी, क्रिकेट कौन कौन खेलता है अभी तक ए और बी, पहला पॉइंट खत्म। बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, तो बी क्रिकेट भी खेलता है वो तो ऑलरेडी राइट है, सी भी क्रिकेट खेलता है इसका मतलब, और ये हॉकी भी खेलता है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, हॉकी खेलने वाला कौन है, बी है और सी। ए एंड डी प्ले बास्केट, अच्छा ऐसे भी बना सकते हो, रो को कॉलम, कॉलम को रो, वो अपने कॉल है। ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, तो ए जो है वो बास्केटबॉल भी खेलता है, डी भी बास्केटबॉल खेलता है कि नहीं, और फुटबॉल भी डी खेलता है, ओके। सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, सी हॉकी खेल रहा है, हाँ डी भी हॉकी खेल रहा है, अच्छा सी बास्केटबॉल खेल रहा है, ओके डी बास्केटबॉल खेल रहा है, वो तो पहले भी बोल दिया गया, यहां तक क्लियर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि फुटबॉल कौन नहीं खेल रहा, सी, क्रिकेट कौन नहीं खेल रहा, डी, हॉकी कौन नहीं खेल रहा है, एच, और बास्केटबॉल कौन नहीं खेल रहा है, सर बी, यही तो सामने दिख रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पहला क्वेश्चन, हु डज नॉट प्ले हॉकी, हॉकी कौन नहीं खेल रहा, सर ऑप्शन इज डी, दैट इज ए इज नॉट प्लेइंग द हॉकी, ए हॉकी नहीं खेल रहा, ठीक है। आइए
हु प्लेज फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, ये खेलने वाला कौन है? सर यही है, क्योंकि फुटबॉल ये भी खेलता है लेकिन वो बास्केटबॉल नहीं खेलता, सी फुटबॉल नहीं खेलता, डी क्रिकेट नहीं खेलता, अच्छा हॉकी बोला है ना, ओके तो ये नहीं होगा, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो हॉकी नहीं खेलता, तो ऑप्शन होगा ये, दैट इज डी, ही इज डी इज प्लेइंग फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, राइट, तो आंसर इज डी, कोई दिक्कत? नो सर. Which game do B, C and D play? B, C और D कौन सा गेम खेल रहा है? B, C और D कौन सा गेम कॉमन है उनके लिए? हॉकी, क्योंकि फुटबॉल B खेलता है, D खेलता है, C नहीं खेलता, क्रिकेट B और C खेलता है बट D नहीं खेलता, बास्केटबॉल B नहीं खेलता, C और D खेलता, हॉकी एक ऐसा गेम है जो तीनों खेलता है, देखो समझ में आ रहा है ना कैसे एक बना, एक बार खाली बनाने का दे रही हूं, आप ऐसे भी बना सकते थे जैसे मैंने ए बी सी डी लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते थे ए बी सी डी, फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट हॉकी, जैसा मन है भाई, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ओके सो क्लियर है यहां तक, आइए आगे बढ़ते हैं. क्या ए बी सी डी एंड ई बिलोंग टू फाइव डिफरेंट सिटीज, पी क्यू आर एस एन टी, PQ, RS and T. Each one of them comes from a different city. Further, it is given that B and C do not belong to Q. Okay. B और C जो है वो Q में नहीं रहता. तो same way, यहाँ पे देखो क्या हुआ? Cities है और men है. पिछले वाले में क्या हुआ? Game था और person था या men था, whatever you can say. तो जब ऐसे चीज हो तो वैसे वो बनाना best रहेगा आपके लिए. तो मैं यही बना देता हूँ क्योंकि सामने आपके लिए बना हुआ है. सिटी और दूसरा कौन है? पर्सन. ठीक, सिटी क्या क्या है? पी क्यू आर एस टी. पर्सन कौन कौन है? ए बी सी डी ई, यही है. आई बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू, बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू, ठीक है. ए एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर, यानी क्यू में बी और सी नहीं होगा, ठीक, तो यही तो बात है. बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू, बी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर, तो बी पी में भी नहीं है, आर में भी नहीं है, ई पी में भी नहीं है, आर में भी नहीं है. A and C do not belong to R, S and D. A जो है वो R, S और T में do not belong करती है, और C जो है वो R, S और T में do not belong करती है. D and E, that is D, जो पहली बार आया है पिक्चर में, do not belong to Q and T. Q and T. ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अभी इस बेसिस पे आगे की चीजों को बढ़ाएंगे. C belongs to P, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है वहां से चलेंगे. C belongs to P can be possible. D belongs to R. D belongs to R can be possible. आपसे not correct पूछो. A belongs to Q. Can be possible. B belongs to S. एक बार फिर से देख लेते हैं. B and C do not belong to Q. ठीक. B and E do not belong to कहाँ गया? B and E do not belong to P and R. P and R में कौन कौन नहीं है? B है और E है. और कौन? R.
ठीक, अच्छा एक बात बताओ, यहां एक लाइन बोला है ईच वन ऑफ देम कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, तो मैं अगर फिलअप करने की कोशिश करूं इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली तो अभी मेरे को शायद कुछ और हेल्प आपको मिलेगा। देखो सी जो है वो क्यू आर एस टी में नहीं हो सकता, तो पी में होगा। हाँ सर, अभी ये पी में हो गया तो बाकी सब पी से कट जाएंगे। ओ सर यस, बिकॉज दे बिलोंग टू अ डिफरेंट सिटी। अभी ए का एक ही जगह ऑप्शन खाली है, वो है क्यू। अग्री, ए का एक ही जगह ऑप्शन खाली है, वो है क्यू। अभी जब क्यू भर गया ए के साइड से, क्यों क्यू खाली है, क्योंकि बाकी जगह पे वो बिलोंग नहीं करता, तो इसके लिए भी क्यू का रास्ता बंद हो गया। हाँ या ना, पक्की बात है। अभी बोला है ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी, डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी, वो हम लोग भरे हैं। थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो गया है, मैं समझ रहा हूं, बट कोई नहीं है, वो भर जाएगा। तो वो यहां पे भर गया, ये यहां पे टिक होगा, ये यहां पे क्रॉस होगा, बाकी सब क्रॉस होगा, ये यहां टिक होगा। आप एक बार फिर से बना सकते हो चाहो तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आराम से डायग्राम बनेगा, आराम से बनेगा। अभी पढ़ लो, सारे आंसर मिल जाएंगे। सी बिलोंग्स टू पी, सी बिलोंग्स टू पी, ये तो करेक्ट है कि नहीं? डी बिलोंग्स टू आर, डी बिलोंग्स टू आर, डी बिलोंग्स टू आर, ये भी करेक्ट है। अच्छा पहला क्या था, सी बिलोंग्स टू पी, ये भी करेक्ट है, यानी ये तो सही है, नॉट करेक्ट तो है नहीं स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। ए बिलोंग्स टू क्यू, ए बिलोंग्स टू क्यू, ये भी सही है सर। नेक्स्ट आते हैं बी बिलोंग्स टू एस, नो बी डज नॉट बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू टी, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो यहां तक आपको बात समझ में आए, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेवन मेंस आर देयर ए बी सी डी ई एफ एंड जी स्टैंडिंग इन अ क्यू इन दैट ऑर्डर, ईच वन इज वियरिंग अ कैप ऑफ डिफरेंट कलर लाइक वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड, डी इज एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू बट नॉट वायलेट, ई कैन सी वायलेट एंड येलो बट नॉट रेड, जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज, इफ वी इज वियरिंग एन इंडिगो कलर्ड कैप देन द कलर ऑफ द कैप वॉर्न बाई एफ इज, ओके दे ऑल आर स्टैंडिंग इन अ सेम ऑर्डर, राइट, क्यू में एक ही ऑर्डर में खड़े हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि ऐसे खड़े, नहीं ऐसे तो जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, यहां रखता हूं ए बी सी डी ई एफ, कौन कौन है, जी तक ए बी सी डी ई एफ एंड जी, राइट। पहला बात, पहले तो मैं उसको फिल कर दूं जो आपको दिख रहा है, जी कैन सी ऑल कैप्स, सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज, भाई मेरा अगर मैं ऑरेंज पहन के रखा हूं तो मैं अपने कलर को छोड़ के सब कलर देख सकता हूं ना, यस और नो, यानी जी ने कौन सा कलर का कैप पहना है, जी ने पहना है ऑरेंज, जी ने कौन सा कलर पहना है, ऑरेंज पहना है, जस्ट अ मिनट, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। ई इज वेयरिंग एन इंडिगो कलर्ड कैप, ये भी बोल दिया कि ई इज वेयरिंग एन इंडिगो कलर्ड कैप, यानी ई कौन सा कलर का कैप पहना है, वो है इंडिगो, ठीक है ओके। आपसे किसका पूछा है, एफ का पूछा है, यानी हमें इसका बताना है, राइट, किसका पूछा है, एफ का पूछा है, हम एफ का बताएंगे। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे।
ई कैन सी वायलेट एंड, आगे पढ़ते हैं, ई कैन सी, अच्छा नहीं पहले क्या करके, डी इज एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू बट नॉट वायलेट। मतलब कहने का ये हुआ कि डी अपने सामने, उसके सामने कौन है, ये लोग, ये फ्रंट है ये बैक है, समझ में। तो डी अपने सामने क्या क्या देख सकता है, डी अपने सामने ग्रीन और ब्लू देख सकता है, मतलब इन तीनों में से किसी के पास भी ग्रीन या ब्लू हो सकता है, अभी पता नहीं किसके पास क्या होगा, बट वो वायलेट नहीं देख सकता। अच्छा वो पीछे अपना वायलेट हो सकता है, या तो खुद को नहीं देख पाएगा, यानी वो खुद वायलेट हो सकता है, ई वायलेट है नहीं, जी वायलेट है नहीं, यानी वायलेट होने का चांस डी का भी हो सकता है और एफ का भी हो सकता है, बट इट इज अ प्रोबेबिलिटी। बिकॉज मैं देखो लॉजिक क्या है, क्यू में जब मैं खड़ा हूं तो मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं अपने सामने के कलर को देख सकता हूं, ना मैं खुद के कलर को देखूंगा ना मैं पीछे वाले को देखूंगा। तो क्या बोला क्वेश्चन में कि डी अपने सामने ग्रीन और ब्लू देख रहा है, मतलब उसके सामने जो है एबीसी उसमें से कोई ग्रीन पहना है, वो वायलेट नहीं देख सकता, तो या तो वो पहना है या तो उसके पीछे कोई पहना है। उसके पीछे तीन लोग हैं जिसमें दो का कलर हमें फिक्स हो चुका, तो बचा हुआ कौन था, एफ, जो वायलेट पहन सकता है बट अभी श्योर नहीं है। ओके आगे क्या बोला, ई कैन सी वायलेट, अच्छा ये बोलता हम वायलेट देख सकते हैं, तो हम वायलेट तभी देखेंगे ना जब मेरे सामने है, यानी डी वायलेट पहना, यानी ये वायलेट हो ही नहीं सकता, लॉजिक पकड़ा। जी कैन सी कैप, अच्छा नहीं, ई कैन सी वायलेट एंड येल्लो बट नॉट रेड। ओके नाउ वो वायलेट और येल्लो देख सकता है, मतलब यहां पे येल्लो भी कोई हो सकता है, ठीक है, बट वो रेड नहीं देख सकता। तो भाई मैं तो रेड नहीं पहना, मेरे पीछे दो लोग हैं एफ और जी, जी ने रेड नहीं पहना, यानी ये रेड पहना है, हाँ या ना, बस यही तो ऑप्शंस बना मेरे सामने। आइए अभी क्वेश्चन को देखते हैं, कलर ऑफ द कैप वॉर्न बाई एफ, एफ ने कौन सा कलर का कैप पहना है, एफ ने पहना है रेड कलर का कैप। मेहनत देखो चीजों पे, मेहनत देखो, क्लियर है, बहुत ही सिंपल था। देखो जब नई क्वेश्चन समझ में आए, तकलीफ करे तो चीज से वापस पढ़ो, इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस के बाद ही आप पजल में स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फोर पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, डिसाइडेड टू सेट अप अ जॉइंट कैंडिडेट, बोला एक जॉइंट कैंडिडेट बनाएंगे फॉर द कमिंग पार्लियामेंट इलेक्शन, द फॉर्मूला अग्रीड बाय देम वाज द एक्सेप्टेंस ऑफ अ कैंडिडेट बाय मोस्ट ऑफ द पार्टीज। नाउ मोस्ट ऑफ द पार्टीज का मतलब मेजोरिटी शुड बी इन फेवर ऑफ दैट कैंडिडेट, एक के या दो के बोलने से नहीं होगा, एटलीस्ट थ्री और फोर शुड बी इन फेवर ऑफ यू, फोर एस्पायरिंग कैंडिडेट ए बी सी एंड डी। तो यहां पे भी देखो आप दो चीज दिख रहा है, चार पॉलिटिकल पार्टी है चार कैंडिडेट है, तो वही बनाना चाहिए ना हमें, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, और कैंडिडेट कौन कौन है, ए बी सी एंड डी। तो इससे क्या होगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाए। ए वॉज एक्सेप्टेबल बाई डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू उसको एक्सेप्ट कर रहा है बट जेड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बी वॉज एक्सेप्टेबल टू वाई, यानी बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, बी वॉज एक्सेप्टेबल टू वाई, यानी वाई इज एक्सेप्टिंग बी बट नॉट टू एक्स, यानी एक्स को वो एक्सेप्टेड नहीं है, सी वॉज एक्सेप्टेबल टू डब्ल्यू एंड वाई, तो सी को एक्सेप्ट करने वाला डब्ल्यू भी है और वाई भी है, एंड डी वॉज एक्सेप्टेबल टू डब्ल्यू एंड एक्स, डब्ल्यू एंड एक्स। यहां तक समझ में आ गया, आगे क्या बोल रहा है, व्हेन कैंडिडेट बी वॉज प्रेफर्ड बाई डब्ल्यू एंड जेड, सी वॉज प्रेफर्ड बाई एक्स एंड जेड,
सी वॉज प्रेफर्ड बाई एक्स एंड जेड एंड कैंडिडेट ए वॉज एक्सेप्टेबल टू एक्स नॉट टू वाई, हु गॉट द टिकट, किसको टिकट मिला यही तो बताना है, पक्का बात। आइए देखते हैं आगे चीजों को देखेंगे। व्हेन बी वॉज प्रेफर्ड बाई डब्ल्यू एंड जेड, बी को डब्ल्यू भी प्रेफर्ड किया, जेड भी पी किया। सी वॉज प्रेफर्ड बाई एक्स एंड जेड, ए वॉज एक्सेप्टेड टू एक्स, ए वॉज एक्सेप्टेड टू एक्स बट नॉट टू वाई, हु गॉट द टिकट, किसको टिकट मिला यही तो बताना है मेरे भाई। तो भाई साफ साफ दिख रहा है सी एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको चारों के चारों लोग पसंद कर रहे हैं, सो द आंसर विल बी सी, राइट। सो यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रख के रखा हूं, वो प्लीज आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्लास इंग्लिश। अच्छा रुक जाओ मैं देख लेता हूं, अगर होता तो यूपीएससी के और भी सीसेट के कुछ क्वेश्चंस है मैंने कुछ करवा देता हूं, नहीं तो शायद आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे दिए हैं इसमें, इसलिए ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। चलो मैं एक दो क्वेश्चंस और करा देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक क्वेश्चन तो कराना ही होगा ना। चलो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को देखिए, ऑर्डर वाइज चलते, चलो ठीक है, हड़बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। टू मेन अनिल एंड डेविड एंड टू वुमेन शबनम एंड रेखा आर इन अ सेल्स ग्रुप। दो मेन है अनिल एंड डेविड और दो वुमेन शबनम एंड रेखा आर इन अ सेल्स ग्रुप। ओनली टू स्पीक तमिल, द अदर टू स्पीक मराठी, ठीक। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक है, ठीक है ना, ये सर दूसरा क्वेश्चन कर ही हो गया, वो उसके साथ चल चलेंगे, ठीक है, बाद में कर लेंगे, पहले इसको देख। चलिए ओके, क्या बोल रहा है। अच्छा अब यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, दो लैंग्वेज सामने आ रहा है और चार लोग सामने आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, अनिल डेविड शबनम और रेखा, दो तमिल बोल सकता है, दो मराठी बोल सकता है, पता नहीं कौन। ओनली वन मैन एंड वन वुमेन कैन ड्राइव अ कार। अच्छा शबनम स्पीक्स मराठी, तो पहले जो होता है वो मैं करता हूं, मराठी तमिल और एक आया ड्राइविंग, यही तो सामने आया तीन ऑप्शंस। शबनम कैन से मराठी, स्पीक मराठी, अनिल स्पीक्स तमिल, रेखा एंड डेविड कैन ड्राइव, सो दे कैन ड्राइव, ठीक है। अब एक बात बताओ, चीजों को बस समझना पड़ेगा, अनिल स्पीक्स तमिल, ठीक है यहां तक तो क्लियर है, चलो देखते हैं क्या होता है आगे। बोथ द तमिल स्पीकर्स स्पीकर्स कैन ड्राइव अ कार, तो तमिल स्पीकर्स कौन कौन है, ये नो दे कैन नॉट ड्राइव अ कार, पक्का बात, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अभी दूसरा तमिल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक ही जो तमिल है वो ड्राइवर नहीं है, तो एक तो कटा तो बाकी काटो ना भाई। बोथ द मराठी स्पीकर्स कैन ड्राइव अ कार,
सर मराठी स्पीकर ऐसा है जो कि ड्राइव नहीं कर सकता, पक्का बात है। अभी आप पूछोगे सर आप कैसे बोल सकते हो कि अनिल और सबनम ड्राइव नहीं कर सकते, बिकॉज एक लाइन था यहां पे, ओनली वन मैन एंड वन वुमेन कैन ड्राइव अ कार, एक वुमेन, और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया रेखा एंड डेविड, डेविड तो रेखा इज अ वुमेन, डेविड इज अ मैन, यानी यही दो खाली ड्राइव करेंगे, बाकी कोई ड्राइव नहीं कर सकते। लैंग्वेज को लेकर हमें पता नहीं, एक का लैंग्वेज दिया हुआ दूसरे का लैंग्वेज पता नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा अंधकार में, तो जो मेरे पास रोशनी है पहले वहीं से तो घर बनाए। तो बोथ द मराठी स्पीकर, तो एक मराठी स्पीकर गाड़ी नहीं चलाता तो दूसरा देखे क्यों, बोथ ऑफ देम हु कैन ड्राइव अ कार कैन स्पीक मराठी, सर ये हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ अगर ये मराठी बोल रहा है तो या तो फिर ये बोलेगा या तो फिर ये बोलेगा, दोनों तो नहीं बोल सकता ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दो जन मराठी बोलेगा, अगर सबनम मराठी बोल रही है तो डेविड बोलेगा साथ में, और डेविड अगर बोलेगा नहीं तो रेखा बोलेगी, क्योंकि सबनम तो बोलेगी, देखो लॉजिक क्या कहता, सबनम के साथ या तो रेखा बोलेगी, सबनम के साथ या तो डेविड बोलेगा। अभी ये लोग ड्राइव कर रहा है, ये तो ड्राइव कर रहा है, तो ये दोनों ड्राइव करे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबनम तो ड्राइव नहीं कर रही है, और सबनम का मराठी में होना बहुत जरूरी है, यानी ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो। वन ऑफ दिस देम दोज हु कैन ड्राइव अ कार कैन स्पीक तमिल, अच्छा तमिल बोलने वाला कौन है, ये तीनों भी तो हो ही सकता है, कोई होगा एक, तो भाई ये हो सकता है ना कि अगर ये हुआ तो ये ऑप्शन है, ये हुआ तो ये ऑप्शन है, और बेटा ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो मराठी बोल रही है, तो समझ में आ गया, जो दूसरा है तमिल बोलने वाला वो गाड़ी चलाने जानता, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, एग्जाम का ही क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ मैन हैड अ वाइफ टू सन्स एंड टू डॉटर्स इन हिज फैमिली, तो एक मैन के पास मैन है, वाइफ है, टू सन है एंड टू डॉटर्स, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन। द डॉटर्स वर इन्वाइटेड टू अ फीस्ट and the male members of the family went out to take part in a picnic. Daughters जो है वो feast में गई और जो बाकी male members है वो picnic में चले गए, ठीक है, यानी ये men went to picnic, ये picnic, ये feast, according to the question we are moving, क्योंकि मेल मेंबर्स में तो हस्बैंड भी आएगा, अ मैन भी आएगा और उसके दो सन भी आएंगे। द मैन्स फादर डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, मैन्स फादर डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, ठीक है, हो सकता है कि मैन के एक पापा है और उसके पापा रिटर्न नहीं किए, ठीक है, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली द मैन्स वाइफ वाज लेफ्ट एट होम, क्या सिर्फ और सिर्फ मैन की वाइफ ही रह गई, ठीक है सर, ये भी हो सकता है कि उसके फैमिली में इनविटेशन आया है कि मेल मेंबर्स जाएगी जाएंगे, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही चले, देखो लॉजिक क्या है, इनविटेशन आया कि फीमेल डॉटर्स जो है फीस्ट में आए, हो सकता है दोनों डॉटर जाएगी, हो सकता है दोनों नहीं जाएगी, हो सकता है एक जाएगी, तो ये प्रोबेबिलिटी तो हो ही सकता, तो ये बात परफेक्टली ट्रू मुझे नहीं लगता। इट इज लाइकली दैट द मैन्स वाइफ वाज लेफ्ट एट होम, दिस कैन बी ट्रू बिकॉज यस इफ अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी वी मूव, लाइकली है, कंफर्मेशन नहीं है कि मैन का वाइफ जो है वो घर पे,
नन वॉज लेफ्ट एट होम, ये बात तो गलत है क्योंकि वाइफ तो होम पे होगी क्योंकि उसका कोई इन्विटेशन नहीं, उसका कोई काम नहीं। मोर देन वन पर्सन वॉज लेफ्ट एट होम, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यही आंसर होगा। आई जस्ट रीड आउट द आंसर फ्रॉम स्टेटमेंट टू, द मेल मेंबर्स आर नॉट एट होम, ठीक। अच्छा, मेल मेंबर्स चला गया है, डॉटर्स को इनविटेशन, ठीक है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो इसमें कुछ है नहीं। बाय बाय, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।